ये हो गया है कि जिया नहीं आई है और अभी बस रुकी हुई है। 5 बज गए, सब लोग एकदम टेंशन में। मैंने बोल दिया भाई क्या ही कह सकते हैं। मेरे हिसाब से गायकवाड़ को खेलना चाहिए था वर्ल्ड कप। आज सीएसके का मैच है, सीएसके का मैच, तो आज तो भाई मैच चलेगा। गायकवाड़ निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और अभी तक डाउट है कि ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, तो एकदम बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा के भागेंगे ट्रेन के लिए। सो लेट्स गो, पकड़ पाएंगे भाई, पकड़ पाएंगे भाई, ये आया है ना, सब पकड़ लेंगे भाई। लेट्स गो। हम स्टेशन पहुंच गए, लेट्स गो। तो मेरे पास बस ये ब्रीफकेस ही है, तो मैं तो ऐसे चलूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी हमारी काठ गोदाम शताब्दी, चेयर कार है, तो लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स गो। ट्रेन में बैठ गए हैं, इट्स अच्छी आई कार, 23 मेरा अकेला है, बाकी 3 लड़के इधर आगे लड़की हैं, तो बैठ गए हैं। लेट्स सी कैसे जाता है जर्नी, नहीं कुछ नहीं। तो मेरा वाला सूट किस रख दे, अगर हाथ रख ले अपना, तेरा परफेक्ट है, तो देखते कैसी जर्नी जाती है। अभी मैं घर पे भी कॉल कर देता हूँ, ट्रेन में बैठ गया ना, ट्रेन चल चुकी है, लेट्स गो। अबे मेरे सिर पे गिराएगा सारे बैग ये। ब्रेकफास्ट आ गया ग्रीन वाले प्लेट में, नॉन वेज ग्रीन वाले में और रेड वाले में वेज, दैट इज टू डिफरेंट। तो नॉन वेज में ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट एंड मैंगो जूस, बटर एंड या केचप, तो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए नॉन वेज वाला, अभी वेज वाला आएगा, वो भी मेरे को ही खाना है क्योंकि वो उनका मन नहीं है, जो एक लड़की ने मंगाया था उसका मन नहीं, तो मैं ही ले लूँगा उसका भी। तो नॉनवेज में तो ऑमलेट था, वेज में आई थिंक कटलेट होगा, तो नॉनवेज वाला तो बढ़िया था, ब्रेड बटर एंड ऑमलेट डिसेंट सा था, जैसे ऑमलेट होता है अच्छा था। वेज भी आ गया, वेज इज इन रेड, नॉन वेज इज इन ग्रीन, फर्स्ट टाइम है वो। वेज में ये वाली स्पून दी है, उसमें वुडन वाली दी थी, नॉन वेज में नहीं, ब्रेड ब्रेड है उसमें होगा, कटलेट उसको डाल दी, उस पर कुकिंग डाल रखा है, उस पर स्टिकर नहीं था, इस पर स्टिकर है, परफेक्ट कटलेट 100% एक्सपेक्टेड। डर लग रहा था
सब्सक्राइब करवा लिया। जाने मलंग सी राते सुरंग सी बागी उड़ान पे ना जाने क्यों हिला ही मेरा जी। अभी हम आएंगे रामपुर जंक्शन। यप, तो अभी देखो सब लोग गाने सुन रहे, कोई सो रहा है, कोई सोने की कोशिश कर रहा है, और मैं एनर्जाइज्ड हूँ, बोल रहे कोई सोया नहीं। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरा सिर्फ शेड्यूल मालूम चल गया कल रात मैं मेजॉरिटी टाइम जागा हूँ, मुश्किल से एक घंटा मैं सोया हूँ। तो यस, तो मैं एनर्जेटिक इतना नहीं लग रहा हूँ, बट मैं एनर्जेटिक हूँ। न्यूज़ ये है कि मैं बीच में सो गया था, पता नहीं गाने सुनते सुनते कब नींद लगी। तो अभी वापस आ गए ट्रेन का दूसरा हिस्सा घूमने जो अभी एक्सप्लोर नहीं किया, और स्टेशन अभी अपना हमारा आने ही वाला है। अभी उत्तराखंड हम पहुँचे हैं एंड इट्स 10:50, 12 बजे हम पहुँचने वाले हैं, एक घंटा घर पे। क्या हुआ क्या हुआ क्या किया तुमने जिया? नहीं किया हुआ कुछ? हेलो, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया जल्दी बताओ। हुआ क्या? चाट दिया। मैं तो ना सहता भाई। Was it a bit overboard that I did? No bro, गलती से हुआ है मेरा अंडरस्टैंड। अरे किया क्या वो तो बताओ। अरे वो एक्चुअली टूट गया था, वो ऐसे ही अपना हाथ से बाहर करके कुछ मिक्स कर रहा है। अरे उसे गलती थी, वो आराम से बाहर जा रहा है। या पास हुआ पास हुआ जीपीएस लेट इन नोएडा। Do you know Krishan Arora? Krishan Arora पार्ट से बहुत बड़े मोमेंट है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है हमें ट्रेन में। सीनियर्स मिले कॉलेज के, वो भी हमारे शहर के, बोल रहे भाई मेरा ड्रीम कॉलेज है। कुछ लोग ऐसे फेक फेक रहे हैं, तो लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो तुम लोग जानते हो, ये लोग तो बोरिंग लोग जानते हैं। ये तो जिया है, द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन आई हैव एवर सीन, द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन आई हैव एवर सीन जिया, शी इज द सेकंड मोस्ट एंटरटेनिंग। ये तो अपना बीड़ू है, ये तो मॉडल ऑफ द ईयर, तुम दोनों मॉडल्स, ब्यूटी अनमैच्ड। तो ट्रेन बॉय टू, ये लोग सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ऐसा क्या कर रहा है यार, आने आए ठीक है यार, नशे कर रहा है तू तो। बम बी राइट फिर रुक गई था, दैट्स अ बिग जोक। I'm punching.
नेम नेम ध्रुव 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 है ना अरमान सिद्धार्थ वो कहाँ गए बाकी लोग बाकी थोड़ा रेस्ट करने हैं आपका मैं भी निकाल दिपिन आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो ना बाकी का इसमें रहेंगे इसमें रहेंगे आप हम आई एम दिव्यांश आ जाओ जाओ बॉडी अच्छी है गाइस लुक एट द माउंटेन्स फाइनली उत्तराखंड वाली वाइब्स आ रही है हम पहाड़ों के नजदीक पहुंच गए हैं लेट्स गो भाई ऐसा लग रहा है ना बजरंगी भाईजान वाला वो क्या वो मस्जिद है यहाँ पे भर दे जोली बज रहा होगा एंड सामने पहाड़ एंड ऑल भर दो जोली मेरी या मोहब्बत लौट कर मैं बजाऊंगा क्या बात लिरिक्स खराब तो गाइस बाय मिलते रहेंगे ओके बाय यहाँ पर पहाड़ दिख रहा है सो ब्यूटीफुल ये काठगोदाम स्टेशन एंड दैट्स द माउंटेन्स इस गाड़ी में बैठ गए लेट्स गो रास्ते में कुछ दिखता है तो दिखाऊंगा नहीं तो फिर उधर पहुंच के ठीक है तो गर्ल्स एक ही गाड़ी में गई हैं एक उनकी एसयूवी है और बॉयज़ की हमारी सेडान है क्योंकि हम लोग कम ही है चार वो छः है उन लोग को बहुत ही एटीट्यूड है अब उधर बैठे हुए हैं उधर हम लोग सबसे पहले पहुँच जाएंगे एटीट्यूड वालों के साथ ऐसा होता है लेट्स गो पहाड़ वाले रास्ते जिम कॉर्बेट के बाद हाँ पायरेट वाला हाँ यस गाइस देख सकते हो वापस से पहाड़ों में आ गए हैं एक महीना भी नहीं हुआ होगा या फिर एक महीना हो गया होगा लास्ट टाइम हम गए थे जिम कॉर्बेट वाली ब्लॉग्स में देखे थे चेकआउट ज़रूर करना स्कूल की तरफ से वाले स्कूल ट्रिप और अब नैनीताल लेट्स गो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहाड़ों में आके एक अलग सी वाइब आती है फिर अगले महीने भी मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ तो उसके भी ब्लॉग्स आएंगे तो चेकआउट करते रहना नजारे बढ़िया भाई यहाँ के तो पहाड़ों के ऊपर आ गए गाइस हम हाँ मेरा वो ब्लॉगिंग का रहता है कहीं भी अगर स्कूल की तरफ से ट्रिप पे चले गए या फिर यूट्यूब पे अपन का लाइफ स्टाइल मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बोरिंग ताल समझ में आ रहा है ताल 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 मीनिंग ताल मतलब इंसान सोशल जो है ना हमारे इन सब चीज़ों डिस्टेंस लेने लग जाता है करेक्ट करेक्ट हर चीज़ का उठना बैठा सीखो अच्छा बुरे क्या फर्क जानू भाई ड्राइवर प्रशांत भैया ओपी द चैट भाई ओपी मतलब वो गेमिंग आएंगे ओवर पावर का मतलब असली जिंदगी का गेम खेलो सब भूल जाओगे खेल रखे हो असली जिंदगी का भी गेम अब मैं किससे बताने पे इसका एक्चुअल जो है स्टेपिंग फार्मिंग हुई यहाँ पे ये क्या है मोमोज तुम्हारे अभी हम एक मोमोज की वाली कार्ट ऑन व्हील्स करके गए तो मोमोज और मैगी हम टेस्ट करने वाले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहाड़ों पे आके मोमोज और हमारे ड्राइवर भैया एकदम ही चिल आदमी है तो जैसे मेरी तरह ही है तो एक्सट्रोवर्ट टाइप तो उन्होंने बोला भाई मोमोज खाओगे इनसे हम घुमाएंगे फिरेंगे हाँ हाँ आपको भी ये देखो आपका नाम क्या भैया शाउट आउट भैया शाउट आउट तो लेट्स गो अपनी हम सबसे आगे अभी तो एकदम खुली सड़क पे हम सामने पहाड़ कितने मज़ेदार हो रखा है यार पहाड़ों का बटर बटर वाला 70 वाला है ना बटर हाँ वो कर देना लुक एट दिस सुनसान सड़क है ना उधर गाड़ी आ रही है सुनसान सड़क नहीं है एंड सो एकदम मस्त माहौल हो गया गाइस मोमोज पहाड़ के मोमोज भाई लुक सो गुड एंड डिफरेंट इसकी स्टफिंग दिख रही है भाई कितनी मस्त है भाई लेट्स टेस्ट इसमें क्या भी है सोयाबीन सोयाबीन प्याज रख ले यही ओहो मजा आ गया आग भाई आग अच्छा ठीक है ठीक है जेन्युइन डाउट है एक प्लेट में कितने मोमोज थे तुम कितने मोमो खा लेते हो
भैया मैं तो खा लूंगा एक बार, मैं तीन प्लेट खा लूंगा मैं अगर दिला दे। सो ना मैं आपको क्या पता चल रहा है वो भाई तीन दिन के लिए बढ़िया फंस गई है मम्मी उधर ना, मतलब पूरा। वेलकम टू नैनीसा बूम। हमारा एक छोटा सा रूम है। ये क्या है? ये इनका रूम है गाइस, ये तो गलत मामला हो गया। रुको, तुमने जो पाया था ना एक को क्यों? हाय गुड आफ्टरनून भी बोला था। आप क्या समझ रहे हो? यस मिस्टर मेनू, यस देयर इज आल्सो एंड समवे हियर पिज्जा खाएगा रात को? आ जाते पैसे स्प्लिट कर देंगे। पिज्जा चिली चिकन यहाँ पे इनकी क्लासेस इतनी ऊपर लोग चढ़ के आते हैं। बहुत ही हॉन्टेड है वो, पढ़ाई चल रही है। कितना ब्यूटीफुल है। एशियाज लार्जेस्ट फील्ड BVM म्यूजियम। भाई इनका ग्राउंड तो देखो, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास केमिस्ट्री लैब बायो लैब। अभी हम लोग बैठे हुए हैं एंड ऑडिटोरियम में, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। यहाँ तो पूरा दिन खाली है, रात को मॉल रोड का भी प्लान है, धोनी का भी मैच है आज। लेट्स सी क्या होता है। आई एम रियली एक्साइटेड। यहाँ पे दोस्त बना लिए मैंने, यहाँ के अपने ऐसे लोग हैं जैसे सनमी में थे ना, एकदम चिल लोग, तो वैसे वीडियो लोग मिल गए हम लोग को। हॉस्टल दिखाएंगे, पूरा दिन खाली है, घुमाऊंगा पूरा आपको। हॉस्टल दिखाऊंगा, डिस्पेंसरी दिखाऊंगा, साइट सीन दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। तो गाइस डे वन एंड हो गया, अब खाना भी खा लिया, मॉल रोड घूमने एंड डिनर होगा, शॉपिंग होगी। अभी हम लोग मोमोज के शॉप पे आए जहाँ पे शॉर्मा भी है, तो हमने चिकन मोमोज लिया एंड चिकन शॉर्मा भी ले रहे हैं। सब लोग मोमो पार्टी हो गई है, तो डिनर ये नहीं है, डिनर आगे और भी है, तो स्टे ट्यून्ड। अभी हम लेने वाले मैगी, वेज। पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, तो 60 की मैगी है। लेट्स गो गाइस, मैगी इज रेडी, दिस इज प्लेन मैगी। उधर ऑमलेट भी हमने बनवा दिया है, तो ऑमलेट और मैगी। मोमोज भी खा लिए, ऑमलेट भी खा ली, मैगी भी खा ली, शॉर्मा भी खा लिया। लो 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 लो, हमने शो पीस लिया एक, मतलब मैंने एक शो पीस लिया, तो वो बहुत ही बढ़िया सा शो पीस था। तो और ये मैम का भी इसमें सामान है, तो मैम ने भी लिया। तो लेट्स गो आगे। लाइब्रेरी का बताइए प्लीज। लाइब्रेरी में एक मैं बताता हूँ, नॉट फिल्म मी, ले लो। अभी हम सबवे पे आए हैं,